भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील की धाकड़ खेड़ी ग्राम में आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा धोखाधड़ी कर ग्रामीणों के नाम पर बैंक से लोन उठाने के मामले में पीड़ितों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उक्त मामले की जांच कर रहे दोषी आंगनबाड़ी कर्मी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। धाकड़ खेड़ी ग्राम की रहने वाली पीड़िता प्रीति आर्या ने कहा कि गांव में आंगनबाड़ी कर्मी मंजू पाराशर कई वर्षों से कार्य कर रही थी, जिसके कारण हमने अपने कागजात उसे दे दिए थे। उसने हमारे कागजात लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बर्दुनी व सिंगोली के मैनेजरों से साठ गांठ करके लाखों रुपए का लोन उठा लिया। इसके बाद अब वह फरार हो गई, जिसके बाद से बैंक वाले हमारे यहां पर आकर हमें धमकियां दे रहे हैं। हम गांव सिंगोली से आए हुए हैं, हमारे यहां पर बैंक का लोन चल हमने लिया ही नहीं, बैंक में गए नहीं। धोखाधड़ी से मंजू पारासर नाम की महिला ने औरतों से धोखाधड़ी करके साइन करवा लिए और बैंक वाले हमको परेशान कर रहे हैं। कितने का लोन है क्या? सर 3 लाख का लोन है, 2013 में लोन हुआ है और बैंक में हम जा रहे हैं तो बैंक वाला हमारे को स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा कि मतलब 5 साल लेन देन किसने की किसने नहीं की। मैं मांडलगढ़ तहसील से आई हूँ, बागित गांव से आई हूँ, प्रीति देवी आ रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पे बेनजी मतलब हमारे बागित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है मंजू पारे सर, वो महिलाओं के साथ बहुत धोखाधड़ी किया है उसने और लोन लेके फरार हो गई है। और इसके मामले में मैं यहाँ पे आई हूँ कलेक्टर साहब से। पूरे गांव में, पूरे गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके नाम पे लोन नहीं है। नहीं, उनका भी है, सिंगोली, बागी, सिंगोली, हिंगोनिया, सब में उसके लोन है। हमारे घर पे बैंक वाले आए, हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, घर वाले और बैंक वाले और घर वाले परेशान कर रहे हैं। क्या पता किस कि एक आदमी के 12 लाख 13 लाख इतने का है, 3 लाख यहाँ से शुरू, 2 लाख से शुरू है, मतलब सिंगोली ग्रामीण बैंक, बरौनी और सिंगोली बड़ौदा बैंक से आया है।